द पब्लिक मंच के सभी प्यारे श्रोता बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस खबर में जानेंगे कि आखिर मायावती के पास वो कौन सा मनमानी का आरोप है जिसका मामला अब मायावती के पास पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के दौरान नामांकन खत्म होने के बाद भी टिकट बंटवारा हर पार्टी के लिए मुसीबत बना हुआ है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में टिकट नहीं मिलने से पहले ही नाराजगी की खबरें आ रही थी, लेकिन अब बीएसपी में टिकट वितरण में हुई गड़बड़ी के बाद भारी उठापटक होते नजर आ रही है। यूपी निकाय चुनाव में टिकट वितरण को लेकर बीएसपी में घमासान मचा हुआ है। सूत्रों के दावे के अनुसार टिकट वितरण में धांधली और मनमानी का मामला बीएसपी सुप्रीमो मायावती तक पहुंचा है। कानपुर मंडल में टिकट वितरण में गड़बड़ी की रिपोर्ट पर जोन कोऑर्डिनेटर को पहले ही हटाए गए थे। कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की शिकायत पर जिला स्तर पर भी फेरबदल किया गया था। सूत्रों की माने तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रत्याशियों को ढूंढ ना पाने से भी नाराज है। बीएसपी आलाकमान अब इस पूरे मामले में सक्रिय हो गया है। सूत्रों का कहना है कि आलाकमान ने ऐसे मामलों में पहले भी सख्त कार्रवाई की थी, इस बार भी टिकट वितरण के मामले में सख्त कार्रवाई होगी। खास बात यह है कि बीएसपी ने इस बार 17 मेयर उम्मीदवारों में से 11 टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को दिए हैं। पार्टी की रणनीति तौर पर सपा के लिए मुश्किल बन सकती है, जबकि सपा ने इस बार 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है। बता दें कि इस बार यूपी में निकाय चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। दोनों ही चरणों के लिए नामांकन की तारीख बीते 24 अप्रैल को ही खत्म हो चुकी है। बीजेपी सपा बीएसपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी राज्य में मेयर चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की है। निकाय चुनाव के लिए 4 मई और 11 मई को वोटिंग होगी, जबकि 13 मई को वोटों की गिनती होगी।